92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा फिर आ गया आपके साथ शहर कार्यक्रम में। जी हाँ, ये वही शहर कार्यक्रम है जो आपके जीवन में शहद घोलता है। अच्छी बातें हम करते हैं, कुछ अच्छे भजन आपको सुनाते हैं, कुछ अच्छे कलाकारों से मिलाते हैं, तो यूं ही ये जीवन चलता रहे और हम सब आनंद लेते रहें, भगवान का आशीर्वाद बटोरते रहें। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो, राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। ये आपने सुना, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, कितने सुंदर शब्द हैं इसके। और अब अपना पंचांग सुनिए और उसके बाद एक अच्छी नई आदत अपने जीवन में डालेंगे। आज है 16 अप्रैल यानी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी, दिन वीरवार और नक्षत्र है पुनर्वासु। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में आपके सामने हूँ मैं अनूप जलोटा। और जैसा कि हम रोज बात करते हैं, एक नई आदत अपने जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा ना चाले कोई, नीचा नीचा जो चाले वो सबसे ऊंचा होई। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़वा पिए ना कोई, कड़वा कड़वा जो कोई पिए सबसे मीठा होए। ये जो घमंड नाम की चीज है ये बड़ी बुरी चीज है। मनुष्य अपनी बातों को, अपनी योग्यताओं को, अपने अचीवमेंट्स को इतना ज्यादा लोगों के सामने बोलता रहता है कि सामने वाला परेशान हो जाता है। मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ यार कितना अच्छा होगा कि तुम्हारी जो खास बातें हैं, तुम्हारी जो विशेषताएं हैं वो कोई दूसरा बोले। घमंड आ जाता है जब मैं बहुत हो जाए। एक आदत डालिए कि नेकी कर दरिया में डाल। कोई अच्छा काम आपने कर दिया तो उसको बस दरिया में डालिए, भूल जाइए। ये कहना अच्छा नहीं है, आपने कर दिया बहुत अच्छा है, उससे आपका आदर बढ़ता है। तो आज से ये आदत हम बनाते हैं कि हम जब भी कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उसका बखान स्वयं नहीं करेंगे। आने दीजिए वो बातें सामने, लोग स्वयं उसका बखान करेंगे। तो मैं भी आज से आदत बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए। तो वापस लौटकर मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मंदिर जिसका नाम है अयप्पा मंदिर, दक्षिण भारत का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अयप्पा मंदिर के बारे में कथा कि वो मंदिर कैसे बना और उसके बारे में क्या क्या लोग बातें करते हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं अनूप जलोटा। और आज आपको दक्षिण भारत के केरला में एक बहुत सुंदर मंदिर है अयप्पा मंदिर, उसके बारे में आपसे बातचीत करता हूं। केरला में शबरीमला जंगल के बीचों बीच है अयप्पा मंदिर। यहाँ पर कार्तिक भगवान का स्वरूप है और लोग उसकी जाकर पूजा करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि राजा राजशेखर, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वो पंपा नदी के किनारे जा रहे थे तो वहां उनको आवाज आई एक बच्चे के रोने की। तो उन्होंने देखा तो एक बड़ा सुंदर बच्चा वहां पड़ा हुआ था। उसके गले में एक माला थी और उस माला में एक बड़ी सुंदर मणि थी, बड़ी आकर्षक मणि थी।
उस मणि से राजा इतने आकर्षित हुए कि उस बच्चे का नाम रख दिया मणिकंदन और उसको अपने साथ महल में ले आए, उसको अपना बेटा मान लिया। कुछ समय के बाद राजा के अपना एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने मणिकंदन को अपना हमेशा बड़ा बेटा माना और जो उनका बच्चा हुआ था उसको छोटा बेटा माना। ये बात रानी को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। कुछ समय के बाद राजा ने मणिकंदन को अपना बड़ा बेटा मानते हुए उनका राज्याभिषेक किया, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो रानी आग बबूला हो गई और उसने सोचा कि इसका तो मैं कुछ बदला लूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। एक दिन रानी ने पेट दर्द का नाटक शुरू कर दिया। सभी हकीम, सभी वैद्य आ गए और सबने ये कहा कि रानी के पेट का दर्द तो तभी ठीक हो सकता है जब इसको शेरनी का दूध पिलाया जाए। ये सब नाटक ही था और शेरनी का दूध लाएगा कौन? सबने मना कर दिया, हम तो नहीं जा सकते। मणिकंदन ने कहा, नहीं, ये मेरी माँ है, मैं जाऊंगा और शेरनी का दूध लेके आऊंगा। रानी बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मणिकंदन नहीं लौट सकता जंगल से। मणिकंदन जंगल गए, कुछ दिनों के बाद वहां से वापस लौटे और वो भी शेरनी के ऊपर बैठे हुए, साथ में शेरनी के बच्चे भी आ रहे थे। यहां तो हाहाकार मच गया। राजा ने मणिकंदन से कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, शेरनी पर बैठकर आप यहां आ गए, आप कौन हैं? जब बहुत आग्रह किया राजा ने तो उन्होंने बताया कि मैं अयप्पा हूं, आप यहां पर मेरा मंदिर बनवाइए, वहां पर पूजा होगी, सबके मन की यहां इच्छा पूरी होगी। राजा ने ऐसा ही किया, उस जंगल के बीच में अयप्पा मंदिर बना। बाद में मणिकंदन ने राजा से कहा कि आपके आसपास के लोग, यहां तक कि आपकी पत्नी भी अच्छी नहीं है, षड्यंत्र करती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मोक्ष प्राप्त करें और इस जीवन के जंजाल से मुक्त हों। तो ये आपने सुना अयप्पा मंदिर के बारे में, और अब मैं आपके सामने पेश करूंगा एक बहुत अच्छे गायक, बड़ी अच्छी आवाज़ है और भजन बरसों से बड़े प्रेम से गाते हैं। आप हैं श्री अजय तिवारी। अजय तिवारी जी को हम स्टूडियो में भी प्रस्तुत करेंगे थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। अभी आपने सुना अयप्पा मंदिर के बारे में, बहुत महान ये मंदिर है, विशाल मंदिर है, लोग अपने परिवार को एक महीना छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं जंगलों के बीच से होते हुए, काले कपड़े भी पहनते हैं और वहाँ अयप्पा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज जिस कलाकार को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह हैं श्री अजय तिवारी जी। अजय तिवारी जी से मेरा बड़ा पुराना परिचय है, बहुत अच्छे गायक हैं, इनका गाना मुझे बहुत पसंद है। तो पहले तो अजय तिवारी जी से थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। अजय जी, ये संगीत का प्रेम आपके जीवन में कैसे आया? अनूप जी, जब मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का, हमारे घर में हर पूर्णिमा और एकादशी को भजन हुआ करते थे और हमारे दादाजी, वो उनके साथ में बैठकर उनके साथ में कोरस में जैसे भजन गाता था। और जब ये लगन ऐसी लगी कि मंदिरों में हर जगह जाकर मैं अपने जो भजन होते थे कबीरदास जी के, मीरा जी के, तो इन भजनों को मैं प्रस्तुत करता था और बड़े प्रेम से लोग उनको सुनते थे, तो यहीं से मुझे लगा कि भजन एक ऐसा मार्ग है जिससे कि हम लोग संगीत का भी आनंद ले सकते हैं और अपने आराध्य देव की भी हम आराधना कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आपने किसी से विधिवत संगीत सीखा? जी हाँ, अकोला में हमारे बुआ कुलकर्णी करके थे और श्री चौहान गुरुजी थे, मैंने उनसे सीखा। फिर मैं बम्बई आकर पंडित स्वर्गीय गोविंद प्रसाद जी जयपुर वाले जो थे, उनसे मैं तालीम लेता था। उनके बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणी लोग हैं सर। लेकिन बस यही था कि मेरा बम्बई आना और अकोला आना, ये मेरा दूरी थी, मैं यहाँ रहता नहीं था, इसलिए जो जितना उनका मार्गदर्शन मिलता था, जितना नोट्स मिलते थे, मैं उनको ये करता था। लेकिन आपने बहुत नाम किया है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके कार्यक्रम होते हैं, मुझे सब पता है, आप ये सब छुपाइए नहीं। सर, आप जो है, हम आपके पीछे ही पीछे चलते हुए आ रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में। बहुत अच्छा, खूब नाम करिए आप आगे भी। तो आज हम लोगों की इच्छा है कि
श्रोताओं को कुछ आपका कोई भजन भी सुनने को मिले। जी सर, एक कुछ आप सुनाएं। जी सर। समझ लिया इस जग को अपना, कितना तू नादान, किसका रहा जो तेरा रहेगा, माया का अभिमान, तेरा कुछ भी नहीं है तेरा, जो दिया वो प्रभु ने दिया, जो दिया वो प्रभु ने दिया, तेरा क्या था जगत में बता, जिसके खोने पे तू रो दिया, जिसके खोने पे तू रो दिया, तेरा क्या था जगत में बता, जिसके खोने पे तू रो दिया, जिसके खोने पे तू रो दिया। और जीवन का जो हकीकत है, जीवन की जो सच्चाई है, इन दो पंक्तियों में, सांस टूटी तो रिश्ते टूटे, छोड़ कर तू सभी को चल दिया, सांस टूटी तो रिश्ते टूटे, छोड़ कर तू सभी को चल दिया, छोड़ कर तू सभी को चल दिया, एक तिनका भी जा ना सका, एक तिनका भी जा ना सका, सब यही का यही रह गया, सब यही का यही रह गया, तेरा क्या था जगत में बता, जिसके खोने पे तू रो दिया, जिसके खोने पे तू रो दिया, जिसके खोने पे तू रो दिया। वाह वाह अजय जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर संदेश आपने इस भजन के माध्यम से दिया है। हमारे सब श्रोता बड़े प्रसन्न होंगे सुन के। आपसे यही प्रार्थना है कि जब कभी हम आपको फिर बुलाएं, आप जरूर हमारे कार्यक्रम में आइए और आनंद दीजिए। तो मैं वापस लौटता हूं और एक और भजन आपको सुनाऊंगा, जिसके अंदर कोई कहानी, कोई संदेश छुपा हुआ होगा, उसको उजागर करेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग FM शहर कार्यक्रम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। जाइएगा नहीं, अभी आपको एक भजन सुनाता हूँ। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ शहर कार्यक्रम। जी हाँ, एक भजन आपको सुनाता हूँ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हरिओम शरण जी का गाया हुआ ये भजन है जो घर घर में लोकप्रिय है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में
काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के तेरी हार भी नहीं है तेरी हार उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे उदासी मन काहे को करे। जब अर्जुन ने अपनी डोरी सौंप दी कृष्ण को तो भगवद गीता का इतना बड़ा ग्रंथ हमारे सामने आ गया। एक व्यक्ति के डोरी सौंपने से पूरी मानव जाति को भगवद गीता का वरदान मिल गया। अगर सभी लोग सौंप दें तो जरा सोचिए ईश्वर हमें क्या क्या दे सकते हैं। उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ईश्वर आपके साथ है, बस आप उसका आदर करिए, उसको समझिए कि वो आपके साथ है। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, भेंट होगी कुछ नए सुंदर भजनों के साथ। तो 92.7 बिग एफएम पर अभी आपने सुना शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम।